जीआईएस केंद्र में सर्किट में तकनीकी खराबी आने के कारण मुंबई और थाने के अधिकांश हिस्से प्रभावित हुए, जिसमें 2200 मेगावाट बिजली आपूर्ति बाधित हुई। इस मामले पे ऊर्जा मंत्री तथा पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने जानकारी दी। महापारेषण के 400 केवी कड़वा पड़ गए जीआईएस केंद्र में सर्किट एक का रखरखाव कार्य चल रहा था, उस समय सारा भार सर्किट दो पर था। हालांकि सर्किट दो में अचानक तकनीकी खराबी आने से मुंबई और ठाणे के अधिकांश हिस्से उससे प्रभावित हुए। मुंबई में बिजली की आपूर्ति करने वाले कड़वा पड़गे और खारघर की तर्ज पर मल्टीपल ट्रिपिंग हुई। मुंबई और उपनगरों को लगभग 2200 मेगावाट बिजली की आपूर्ति बाधित हुई। उरन जो हमारा गैस पावर स्टेशन है के सभी सेट एसी फेल्योर पर ट्रिप हुए। खारघर तड़ोजा लाइन जो ट्रिप हुई थी अब सुचारू रूप से काम करना चालू कर दी है। रिस्टोरेशन हमारा स्पीडीली चल रहा है। बिजली विभाग के आला अधिकारी इंजीनियर और कर्मचारी बिजली आपूर्ति को कारगर बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। बिजली आपूर्ति सुचारू होने के पश्चात इस घटना की पूर्णता जांच की जाएगी।